ऐसे बहुत सारे मिथ्स हैं कि पहला दूध अच्छा नहीं रहता है, वो डाल देना चाहिए, बेबी को पहले मत चटाना चाहिए, ये सब सब गलत है। बेबी को होते साथ ही तुरंत जो मम्मी का सबसे पहला जो फीड आता है उसे कोलोस्ट्रम बोलते हैं, जो वो बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। हेलो, मैं डॉक्टर खुशबू कासट हूँ। मैं प्रॉपर रायपुर से हूँ, मेरा एजुकेशन 12th तक रायपुर से हुआ है, देन MBBS कर्नाटका KMC मणिपाल से, देन पोस्ट ग्रेजुएशन MS ऑब्सगैनिक प्लस DNP मुंबई नायर हॉस्पिटल, देन आफ्टर दैट 3 to 4 years मुंबई में थी, देन मैंने IVF की फेलोशिप की वहाँ से, प्लस सोनोग्राफी में फेलोशिप, एंड देन औरंगाबाद पास्ट पिछले 4-5 साल से औरंगाबाद में हूँ। 4 years हेडगेवार हॉस्पिटल में थी, पास्ट 1.5 ईयर से हमारा खुद का हॉस्पिटल है। मैं और शुभांगी मैडम, शुभांगी पार्वती मैडम, एक साथ प्रैक्टिस करते हैं पलाश मेटर्निटी एंड IVF सेंटर। अगर हॉस्पिटल या ऐसी जगह डिलीवरी हो रही है जहाँ पीडियाट्रिशंस अवेलेबल हैं, तो पहले पीडियाट्रिशन आके बेबी को चेक करता है। बेबी में मेजर कुछ प्रॉब्लम्स नहीं हैं, अगर बेबी का क्लेफ लिप, क्लेफ पैलेट होता है, ऐसे कुछ कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे बेबी को ब्रेस्ट फीड नहीं कर सकते, अगर वो सब रूल आउट किया है तो विद इन 15 to 20 minutes, विद इन हाफ एन आवर बेबी को फीडिंग को लगाते हैं। वो नॉर्मल डिलीवरी हो या सीजर हो, दोनों में ही जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बेबी को फीडिंग को लगाना रहता है। बट एक बार बेबी को पीडियाट्रिशन देखने के बाद बेबी को डिस्ट्रेस हुआ या कुछ और मेजर प्रॉब्लम्स रही, तो उन केसेस में डिले लेट स्टार्ट करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग, अदरवाइज इमीडिएट ब्रेस्ट फीडिंग इज गुड। ब्रेस्ट फीडिंग में सबसे पहला है मदर और बेबी का स्किन का कांटेक्ट आना, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पहला, ऐसे बहुत सारे मिथ्स हैं कि पहला दूध अच्छा नहीं रहता है, वो डाल देना चाहिए, बेबी को पहले मत चटाना चाहिए, ये सब सब गलत है। बेबी को होते साथ ही तुरंत जो मम्मी का सबसे पहला जो फीड आता है उसे कोलोस्ट्रम बोलते हैं, जो वो बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। वो फर्स्ट फर्स्ट 4 days कोलोस्ट्रम जो रहता है वो देना ही रहता है बेबी को, एंड इमीजिएट बर्थ के बाद वो जितना दिया उसमें वो हाई प्रोटीन प्रोटीन्स में हाई एंड एंटीबॉडीज़ में हाई रहता है, तो वो बेबी की इम्यूनिटी के लिए एंड डिजीजेस फाइट करने के लिए अच्छा रहता है। सो इमीजिएट वो देना रहता है, एंड प्रॉपर स्किन कॉन्टैक्ट और प्रॉपर लैचिंग होनी चाहिए, मतलब बेबी एंड मदर का पोजिशन प्रॉपर होना चाहिए। जो निपल्स एंड एरियोला का एरिया है वो बेबी के मुँह में प्रॉपरली गया तो सकिंग अपने आप आ जाती है। ब्रेस्ट फीडिंग का मदर और बेबी के लिए बहुत ही एन नंबर ऑफ वेज, बहुत जगहों पे साइकोलॉजिकल, फिजिकल, मेंटल, हर तरफ से पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स होता है। साइकोलॉजिकली बेबी का ओवरऑल डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट को ब्रेस्ट फीडिंग से बहुत पॉजिटिव हेल्प होती है। मदर के लिए भी स्ट्रेस रिड्यूस होता है, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट आता है बेबी का, तो पॉजिटिव बॉन्डिंग बनती है। मदर पोस्ट पार्टम डिलीवरी के बाद डिप्रेशंस बहुत कॉमन है मदर में, सो अगर ये ब्रेस्ट फीडिंग शुरू से इस्टेब्लिश हुई, दोनों की कंटिन्यूस रही, तो वो डिप्रेशंस काफ़ी ईजिली मदर फाइट कर पाती है। एंड ये हो गया साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स। फिज बाकी हेल्थ इफेक्ट में बेबी को जैसे मैंने बताया कोलोस्ट्रम एंटीबॉडीज़ में अच्छा रहता है, सो इट हेल्प्स बेबी टू फाइट डिजीजेस। बेबी की इम्यूनिटी शुरू जो भी शुरू में आती है वो कोलोस्ट्रम से जाती है, मदर के मिल्क से जाती है, तो वैसे अच्छा होता है। लॉन्ग टर्म बेबीज़ के लिए डायबिटीज़ एंड बेबी को आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, हाइपरटेंशन वगैरह के चांसेस कम रहते हैं। मदर के लिए पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हेल्थ वाइज PPH बोलते हैं, डिलीवरी के बाद ब्लड लॉस होना, वो काफ़ी कम होता है। ये जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है इससे ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होता है, ऑक्सीटोसिन से यूट्रस अपना जो गर्भपिशवी है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है और उससे ब्लीडिंग कम होता है। मदर के लिए लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट में जितना ज़्यादा बेबी को ब्रेस्ट फीड किया उतना ज़्यादा
ब्रेस्ट कैंसर्स एंड ओवेरियन कैंसर्स के लिए बचने के लिए हेल्प होती है. प्लस ब्रेस्ट फीडिंग इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कैन वो और एक कॉन्ट्रासेप्शन की तरह भी एक्ट करता है. मीन्स जब तक बेबी को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग पे है बेबी, तब तक मदर को लैक्टेशनल एमेनोरिया होता है, मतलब मदर को ब्लीडिंग नहीं होती है, और इस पीरियड में अपने आप ही वो एज अ कॉन्ट्रासेप्शन हेल्प होता है. मदर का मिल्क प्रोड्यूस नहीं होना, ये भी बहुत से कारणों के कारण होता है. बेबी के कारण, मतलब बेबी में कुछ प्रॉब्लम है उस कारण, मदर में कुछ प्रॉब्लम है उस कारण, एंड बेसिक कारणों के कारण, मतलब लैचिंग नहीं हो रही है, पोजीशन नहीं हो रहा है, या प्रैक्टिस नहीं हो रही है. बेबी के कारण मीन्स कभी कभी बेबी बहुत ही न्यूबॉर्न छोटे पैदा होते हैं, बिलो 1 kg, जिन्हें इमीडिएट हम फीड नहीं चालू करते हैं. तो कैसा होता है, शुरू में अगर मदर को प्रोड्यूस नहीं किया तो फिर आगे जाके काम आता है. तो या फिर जैसे मैंने बताया क्लेफ पैलेट है, या बेबी को शुरू में किसी कारण से हम नहीं दे पा रहे हैं, बेबी में कुछ बीमारी निकली है, NICU में एडमिशन्स लगा है, उस कारण मदर में मिल्क नहीं आना, ये कॉमन है. मदर के प्रॉब्लम्स कभी कभी डिलीवरी के बाद मदर को ब्लीडिंग होती है, मदर को ICU में रखना पड़ता है, उस टाइम पे मदर फीडिंग को अगर नहीं लगा पाई तो आगे जाके फीडिंग कम होने की चांसेस रहते हैं. एंड लास्ट है कि मदर प्रॉपरली फीड नहीं कर रही है, कभी कभी रिलेटिव्स की हेल्प नहीं होती है, कभी मदर एजुकेटेड नहीं होती है, इन कारणों से हुई. तो ये जो लास्ट वाले ये कारण है, ये अवॉइडेबल है, ये होने नहीं चाहिए. सो ऐसी कुछ कुछ चीज़ें हैं जहाँ हम सपोर्ट कर सकते हैं मदर को, और वहाँ करना चाहिए. जहाँ नहीं हो सकता है वो ठीक ही है, वो हमारे हाथ में नहीं रहता है. वर्किंग मदर्स के लिए बेबीज़ को संभालना बहुत, इट इज़ नॉट एन ईजी जॉब. बहुत सी चीज़ों पे उन्हें ध्यान रखना चाहिए. फर्स्ट है, उनका डे प्रॉपरली प्लान होना चाहिए. मीन्स बेबी जिस टाइम पे सबसे एक्टिव रहता है, उतना टाइम उन्हें बेबी को उस टाइम पे देना चाहिए. जब बेबी का स्लीप टाइम रहता है, प्ले टाइम रहता है, उस टाइम वो अगर वर्क अपना स्केड्यूल कर पाएँ तो वो बेस्ट है. सेकेंड है, पार्टनर के साथ डिवाइड होना चाहिए वर्क. मतलब ठीक है, अगर पार्टनर मॉर्निंग में जा रहे हैं तो ये इवनिंग में जाए, या जैसे भी वर्क, हाँ, टाइम मैनेजमेंट प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट दोनों होनी चाहिए. थर्ड, डे केयर पे छूट सकते हैं, बट उनसे भी रिलेशंस प्रॉपर होने चाहिए. उन्हें पता होना चाहिए व्हाट डज द बेबी लाइक, उसे क्या डिसलाइक है, कैसे फीड करना है. मदर जब चाइल्ड का स्लीप टाइम है, उतना इंटरवल्स में अगर फीड वर्क करे एंड बाकी टाइम उन्हें फीड और ये रखे तो ठीक है. एंड नेक्स्ट इज स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट. जब भी बेबी साथ में है, एज मच एज पॉसिबल स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट होना चाहिए. एंड जब बाकी टाइम बेबी साथ में है तो दे शुड टॉक टू द बेबी, मतलब स्टोरी टेलिंग के थ्रू या बेड टाइम स्टोरी के थ्रू, जितना टाइम है वो क्वालिटी टाइम होना चाहिए. एंड अगर सपोज कंटिन्यूस लॉन्ग वर्किंग आवर्स है, मदर अलग है घर से, तो फीड करके जाना चाहिए. नेक्स्ट फीड एक्सप्रेस करके वो घर पे भेज सकते हैं, या फिर घर पे फ्रीज़र पे स्टोर करके रख सकते हैं. वो लास्ट रिसॉर्ट है, पर देन अगर करना पड़ा तो वो करना चाहिए. एटलीस्ट 6 months तक फीडिंग करना ज़रूरी है बेबी को. एज मच एज पॉसिबल मदर फीड 6 months तक जाना चाहिए. फर्स्ट 6 months के लिए एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग होनी चाहिए. बच्चे को ऊपर का दूध, ऊपर का पानी नहीं, ऊपर का दूध नहीं, मद नहीं, कुछ भी चीज़ और नहीं देनी चाहिए. सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग. हम ऐसे बोलते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग ऑन डिमांड होनी चाहिए, मतलब बेबी जब मांग रहा है तब उसे देना चाहिए. लेकिन कभी कभी बेबी बीमार है, सुस्त होता है, तो वो तब उस टाइम पे शायद वो डिमांड ना करे या सोए ज़्यादा. तो ऐसे में यूजुअली 2 से 4 घंटे के बीच में फीडिंग होनी चाहिए. एक आधा इंटरवल थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, एक आधा बार अगर बेबी की स्लीप अच्छी है तो वो 5 hours के बाद भी ले सकता है, पर ये दिन में एक आधी बार ही होता है. एक और मिथ है कि बेबी ने सुसु किया, पोटी किया कि पेट खाली हो गया, ये गलत है. 2 से 4 घंटे में ही फीडिंग होनी चाहिए. बहुत एक्सेसिव आप फीड किए तो बेबी की वॉमिटिंग्स और इस ये सब बढ़ता है, बाकी प्रॉब्लम्स भी बढ़ती है. सो 2 से 4 घंटे के बीच में फीडिंग,
ऑल्टरनेट ब्रेस्ट से अगर पॉसिबल है तो फीडिंग करना चाहिए, हर फीडिंग के बाद बर्पिंग करनी चाहिए, और एक ब्रेस्ट से मैक्सिमम 15 to 20 मिनट्स तक फीड किया तो वो इनफ रहता है. उसके बाद भी कभी कभी बेबी सक करते रहते हैं तो वो उन्हें सूदिंग लगता है इसलिए करते हैं. सो टाइम देख के मीन्स 15 to 20 मिनट्स एवरी 2 to 4 आवर्स इज ओके. हर बार ब्रेस्ट क्लीन करना है पिलाने के पहले उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं रहती है. हाँ, अपन ने कुछ दवाई लगाई है, निपल्स में कुछ प्रॉब्लम है, उसके लिए कुछ दवाई लगाई है तो क्लीन करना चाहिए. अदरवाइज़ हर बार ब्रेस्ट फीड को क्लीन करना, मतलब ब्रेस्ट को क्लीन करना है, ऐसा नहीं है. एंड हाँ, ऊपर का पानी पिलाने का बहुत ज़्यादा कॉमन है ये, ठीक है, इसका पेट नहीं भर रहा है या फिर सुसु कम हो रही है तो हम ऊपर का पानी पिलाएं, ये रॉन्ग है. दो तीन साल के बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उनसे बात करके उनको समझा के करना सबसे बेस्ट है, क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए कि अब इट्स इनफ, अब वो खाते हैं पीते हैं जो भी ब्रेस्ट फीडिंग के है वो उनका सूदिंग इफेक्ट है. तो मदर को बाकी प्ले टाइम या ऐसा बढ़ा के, स्टोरी टाइम बढ़ा के उनको टाइम देना चाहिए. एंड अगर बेबी डिमांड करता है तो पहले डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करो. नाइट टाइम के लिए नाइट में अराउंड, सपोज़ अगर बात बच्चा 11 बजे सोता है तो अराउंड 9-10 o'clock उसे अच्छी एक हेल्दी हैवी डाइट दो ताकि वो रात भर डिमांड ना करे. एंड धीरे 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 करके, लाइक अगर अभी दिन में 4 feed हैं तो नेक्स्ट वीक में 2 कीजिए, एंड ऐसे धीरे धीरे करके स्टॉप करना चाहिए. बट 2 से 3 साल के बच्चे यूजुअली बात करके समझते हैं तो उनको समझाना चाहिए कि वाई इट इज़ नॉट, मतलब हमेशा इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ब्रेस्ट फीड. मतलब जो मिल्क है वो इट्स अ वेरी इजी सोर्स फॉर इन्फेक्शन, तो बॉटल्स अच्छे से साफ होने चाहिए. जो ब्रेस्ट मिल्क निकाला हुआ है वो फ्रीज करके रखना चाहिए, क्योंकि बाहर रखा तो अगेन इन्फेक्शन मिल्क में सबसे जल्दी और बहुत कॉमनली होने के चांसेस हैं. सो फ्रीज करना, बॉटल्स क्लीन करना, प्रॉपरली पंप करना, जो ब्रेस्ट पंप्स अपन यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपरली क्लीन करना, इस सब पे ध्यान रखा तो इट इज़ गुड. मतलब आजकल ब्रेस्ट मिल्क की बैंकिंग भी होती है काफ़ी जगह, तो ऐसा नहीं है कि इट इज़ नॉट हेल्दी, पर क्लेनलीनेस एंड ये इस पे ध्यान रखना चाहिए. प्लस बॉटल फीड्स बच्चों के लिए अच्छी नहीं होती, उतना ध्यान रखना चाहिए उन्हें कि बॉटल फीड्स की आदत नहीं डालें. वाटी चमचे से पिलाना ज़्यादा अच्छा है बॉटल फीड से, वो लगाना ही नहीं चाहिए. पहली बार जो लगाया है वही गलत होता है. बॉटल फीडिंग के कारण कभी कभी सक करते हुए अगर नोज़ ब्लॉक है तो ईयर इन्फेक्शंस और नेजल नोज़ इन्फेक्शंस के बहुत चांसेस होते हैं. प्लस कैसा होता है, रात में हमें कंटाला आता है तो हम बॉटल दे देते हैं बेबी को, सो जाते हैं, तो टीथ इन्फेक्शंस बहुत कॉमन है. बॉटल फीडिंग्स फर्स्ट प्लेस में ही गलत है. लगाया है तो अगेन वो छुड़ाना ही चाहिए, जैसा अपन ने ब्रेस्ट फीडिंग छुड़ाने की बात की है वैसे ही बॉटल फीडिंग छुड़ानी चाहिए. ब्रेस्ट मिल्क बैंकिंग है सो एस अगर, बट वो बहुत एक्सपेंसिव रहती है. हाँ, सो अनाथ बच्चे जो रोड वाले हैं उनके लिए तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है. लेकिन हाँ, अगर आप अफोर्डेबल हैं और कर सकते हैं तो ब्रेस्ट, जब तक पॉसिबल है ब्रेस्ट मिल्क. पीडियाट्रिशंस ऐसा बोलते हैं कि एटलीस्ट 1 year एज तक कोई भी और मिल्क, काउ मिल्क, बफेलो मिल्क, कोई भी और मिल्क को बेबी को इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए. ब्रेस्ट मिल्क नहीं हो रहा है तो वो फॉर्मूला मिल्क, लैक्टोजन या फिर ये जो भी ब्रांड्स हैं. बट काउ मिल्क एंड बफेलो मिल्क से एलर्जी होने के चांसेस होते हैं, सो 1 year तक वो चीज़ें इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए बेबीज़ को. HIV पॉजिटिव मदर्स को सब समझा के, रिस्क बता के इन्फॉर्म किया जाता है. यूजुअली बेबी को डिलीवरी के बाद कुछ टाइम तक मेडिसिंस दी जाती हैं प्रोटेक्शन के लिए, तो उस टाइम तक ब्रेस्ट फीडिंग करने को कुछ एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं रहता है. लेकिन मदर को कितना सिवियर है, मतलब HIV भी स्टेप्स में होता है. अगर बहुत सिवियर है तो ऑब्वियसली अवॉइड करना ही चाहिए. अगर कम है सिवियरिटी
और बेबी को भी मेडिसिन चालू है, तो फिर ब्रेस्ट फीडिंग करनी चाहिए। एक्चुअली ब्रेस्ट फीडिंग से भी बेबी को इम्यूनिटी आती है थोड़ी, तो ब्रेस्ट फीडिंग से 100% ऐसे ट्रांसमिट होता है ऐसा नहीं है। प्लस बेबी अगर मेडिकेशंस पे रहा तो सपोर्ट रहता है, लेकिन अगेन वो मदर की सिवियरिटी पे डिपेंड करता है कि कितना है। और लेकिन मदर को अगर ब्रेस्ट में कुछ लीजन्स रहा, वहाँ से ब्लीडिंग रहा या और कुछ ऐसा स्किन लीजन है आसपास, तो वो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि देन ट्रांसमिशन बढ़ता है। इनिशियली जब अपन फीडिंग करते हैं, चालू करते हैं, तो निपल्स यूजुअली पहले ड्राई रहते हैं। अभी फीडिंग के कारण बार 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 मॉइस्ट गीले रहने लगते हैं, उस कारण एंड इवन बेबी के बाइट्स के कारण वहाँ पे क्रैक्स आ सकता है, कभी कभी इन्फेक्शन हो सकता है, कभी कभी गीले रहने के कारण ही थोड़ा सा टिंगलिंग सेंसेशन होता है मदर को। तो ये शुरू के 1 वीक 10 डेज में बहुत कॉमन रहता है, प्लस पेनफुल भी रहता है। तो निप केयर करके ऑइंटमेंट आती है, और भी कुछ भी मॉइस्चराइजिंग लोशंस जो रहते हैं वो अप्लाई करना चाहिए फीडिंग के बाद, और फीडिंग करने के पहले वो क्लियर सादी कॉटन एंड कॉटन से एंड पानी से लेके क्लीन करके फीड करना चाहिए बेबी को। ये बहुत कॉमन है क्रैक निपल्स और सोर निपल्स, एंड बट मतलब उसके कारण कभी कभी फीडिंग कम भी होती है, बट देन वो एक पीरियड के लिए ही रहता है, 3-4 दिन का ही सहना पड़ता है, एंड देन धीरे धीरे वो कम हो जाता है। ब्रेस्ट मिल्क इज़ द बेस्ट एंड द फर्स्ट गिव मदर गिफ्ट्स टू द बेबी, सो ये होना चाहिए, एंड इसकी अवेयरनेस बढ़नी चाहिए। प्रेगनेंसी के टाइम पे ही मदर को एजुकेट करना चाहिए, सो दैट एंड मतलब डिलीवरी के बाद मदर प्रिपेयर रहे, रिलेटिव्स भी प्रिपेयर रहे। सिर्फ ऐसा भी नहीं है कि मदर को ही, क्योंकि शुरुआत के 2-3 दिन रिलेटिव्स को भी हेल्प करनी ही पड़ती है, तो दे शुड ऑल्सो बी एजुकेटेड।